दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी मौजूद रहे। सभी के साथ 2023 के प्लान को लेकर चर्चा की गई। इसी मौके पर सतीश पुनिया से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यहां पर बात करने के लिए मौजूद हैं राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी। सर, आज सुबह ब्रेकफास्ट पर मीटिंग हुई है, किन किन बातों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई सभी सांसदों के साथ? आप भी वहां पर मौजूद थे। हम लोग हर संसद के सत्र में सांसदों की, राजस्थान के सांसदों की एक बैठक नियमित रूप से करते हैं। पिछली बैठक 5 अगस्त 2021 को वेस्टर्न कोर्ट में हुई थी और सांसदों की संगठन के कामकाज के साथ उनका समन्वय, तालमेल, उनकी भूमिका, राजनीतिक मुद्दे, उनके क्षेत्र के मुद्दे और पार्टी के जो और अभियान अभी चलते हैं, जैसे एक विशेष अभियान अभी सामाजिक न्याय पखवाड़ा चलेगा 7 अप्रैल से और 20 अप्रैल तक, उसमें मोदी जी की सरकार की जो जितनी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको जनता तक, उन लाभार्थियों तक पहुंचना और उनकी ओपिनियन लेना, ये सब चीजें शामिल हैं। पार्टी संगठन की गतिविधियों से पार्टी का जनप्रतिनिधि रूबरू रहे, उनका आपस में संवाद रहे, क्योंकि आखिरकार पार्टी के ही प्रतिनिधि हैं, इसलिए वो भी सक्रिय रूप से वहां काम करें। तो ऐसे तमाम संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में आवश्यकता रहेगी, दोबारा बैठेंगे, लेकिन कुल मिलाकर पार्टी के संगठन के साथ तालमेल और संगठन सक्रियता से काम करें। और क्योंकि राजस्थान में हम लोग विपक्ष में, तो उस नाते सांसदों की भूमिका भी उतनी ही मुखर हो। सर, क्या सांसदों की किसी बात को लेकर या किसी मुद्दों को लेकर चिंता जताई गई सांसदों की तरफ से? नहीं, चिंता जैसी कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि चिंता मोदी जी हैं तब तक कोई चिंता है नहीं, और मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, इसलिए चिंता जैसी बात नहीं। लेकिन जब राजनीति में, संगठन में काम करते हैं तो हम एक आगे लंबे विचार को लेकर काम करते हैं, धरातल पर उन नीतियों को कैसे पहुंचाएं, और स्वाभाविक है कि समीक्षा एक उसका पार्ट होता है कि तो किसी चीज की हम लोग उसकी ठीक तरीके से समीक्षा भी कर लें, जो चुनौतियां उनकी भी चर्चा होती है, और खासतौर पर क्योंकि राजस्थान में विपक्ष में है और सत्ता पे कांग्रेस है, कांग्रेस अपने आप में इतने सारे मुद्दे देती है कि जिनके बारे में हम लोग किस तरीके से और ज्यादा चीजों को एक मंच पे लाएं, कुछ चीजें दिल्ली के फोरम पे उठाने की हैं, कुछ राजस्थान के उस पे हैं। तो कुल मिलाकर एक समग्र सी बैठक थी, समय कम था, लेकिन फिर भी समय सीमा में अच्छी बातें, सार्थक बातें हुई। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, करौली पर एक और अपडेट आई है कि नकाबपोश ने चुन चुन कर एक व्यक्तियों को चुन चुन कर मारा है, इस अपडेट पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, करौली तो अब एक केस स्टडी होगी देश के लिए, और ये कांग्रेस का नकाब उतारने के लिए पर्याप्त है, अशोक गहलोत के उस धर्मनिरपेक्ष चेहरे का नकाब उतारने के लिए पर्याप्त है कि जिस तरीके से वो लोकतंत्र की, अनुशासन की, सद्भाव की बात करते हैं, उनका जो काला चेहरा वो सामने आया है, किस तरीके से पीएफआई जैसी संस्था को प्रोटेक्ट करना, उनकी चिट्ठी उजागर होना, किस तरीके से पुलिस की लापरवाही होना, किस तरीके से इंटेलिजेंस की फेल्योर होना, जानकारी में आने के बाद भी इंतजाम नहीं करना, और पुलिस की लापरवाही और मौजूदगी में इस तरीके की घटनाएं होना, ये खुद पुलिस ने एफआईआर में एडमिट किया है कि जुलूस शांतिपूर्वक था, उसके बाद पथराव हुआ, तो ये लापरवाही क्यों थी इसका कोई जवाब नहीं, इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों थी इसका कोई जवाब नहीं, पीएफआई की चिट्ठी जारी हो जाती है, इसका मतलब सरकार के संज्ञान में था, सरकार चाहती थी, अशोक गहलोत चाहते थे ऐसा काम हो। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक के बाद एक परतें सामने आती हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री इतने लापरवाह बयान देते हैं कि जेपी नड्डा आए और दंगा भड़का कर चले गए। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ऐसी ओछी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? तो मुझे लगता है कि मानसिक रूप से असंतुलित हो गए और उनको कुर्सी जाती हुई दिख रही है, क्योंकि राजस्थान में अब वो कांग्रेस के लिए बहादुर शाह जफर साबित होंगे कि इसके बाद कभी कांग्रेस आएगी नहीं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया हमसे यहाँ पर बातचीत के लिए मौजूद थे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।